बेटा है और बेकार नालायक। और ये मेरी बुढ़िया जो है पोछा लगा रही है किचन में। ठीक है, अब जो भी है डाल दिया तो डाल दिया बेकूफ ने, सो मना करने के बावजूद डाल दिया। खाना वाना ले जाते रही, पेट कम करना, पेट कम कुछ हो नहीं रहा है। हेलो नमस्ते, पहला स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग्स में। कैसे आप लोग? हम भी बढ़िया है। तो आज हमारा ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है, रात से खाना वगैरह खा लिया है, मैं धो रही हूँ बर्तन। एक तो एक खाना नहीं खाती, सब्जी कोई सी भी नहीं खाती है, फली फली के वो फली फली गारी बीज छोड़ दिए सारे फली के। वो भी कहती छिमी क्या थी? मैं तो बीन समझ रही थी, मैंने कहा बीन इतने मोटे तो नहीं होते। क्यों फली थी क्या थी? किशु क्यों नहीं हाय मैं भूल गई, के नाम से बोलूं छिमी नहीं, छिमी तो बाकुल बाकुल खाए बाकुल है बाकुल। अरे कब कभी लाती सो आओ नहीं आई मैं बाकुल, सब बोलना बाकुल। मैंने कहा गांव में कभी खाए बाकुल, बोला जरा बाकुल बनना चाहिए आज अमूल, बाकुल बनना चाहिए आज अमूल, बाकुल बोला। और मैल नहीं खाई, मैल खाई खाई का खाई बीज नहीं खाई, मैल बीज नहीं खाई, बोलो वैक वैक बीज नहीं खाई, मैल मैल भारी भारी खाई। हाँ तो चलो अभी आपको पापा से मिलवाते हैं, पापा की वीडियो तो आपने देख ली होगी, तो आज पापा स्टार्ट करेंगे व्लॉग, मतलब बताएंगे सबको। और यहाँ टीवी में बंद कर देता हूँ। तो पापा आज तुम बनाओगे व्लॉग, तुम कहीं नहीं सोने जा रहे हो, तो ये पापा बनाएंगे आज व्लॉग। पकड़ो सही इसको एक बार, मुझे आता नहीं बनाना। पकड़ो ऐसे क्यों नहीं बोलना, जैसे बोलना है कि मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है, ऐसे लेके लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, हिलाना मत ज़्यादा। हेलो गाइस, नहीं ये इसमें देखो ना कहाँ आ रहे हो तुम, थोड़े यहाँ से पकड़ो यहाँ से, हाँ अब आ रहे हो, अब जाओ। हेलो गाइस, हाँ मुँह तो हटाओ। हेलो गाइस, आज मैं जबरदस्ती विशु कह रहा है कि आप ब्लॉग बनाइए, लेकिन मुझे तो आता नहीं है कुछ भी, और ना मुझे इस बारे में कोई नॉलेज है। और ये मेरा लड़का विशु, आप उसको जानते ही हो, मेरा बेटा है और बेकार नालायक वो बेटा है मेरा ही। और मैं अब आगे निकल रहा हूँ, और ये टीवी मेरा बंद कर दिया है, अच्छा खासा वो देख रहा था मैं, क्या बोलते हैं वो कपिल शर्मा शो, वो मुझे नहीं देख लिया। और यहाँ पे जो है भाई ये देखो मेरी गैलरी आ गई, और ये मेरी बुढ़िया, ये मेरी बुढ़िया जो ये साफ कर रही है किचन, और ये देखो अब ये ऐसे दिखाओ, और इधर को करो, अब दिखाओ बुढ़िया को, अब जो है ये देखो ये मेरी बहू बहू रानी, ये मेरी प्यारी बिटिया, इधर को करो ना प्यारी बिटिया, लो अब बताओ, अब बोलो बोलते रहो तुम, मिलाते रहो बताओ। हाँ ये मेरी प्यारी बिटिया है, ये बर्तन माज रही है, और ये मेरी बुढ़िया जो है पोछा लगा रही है किचन में, फिर पोछा लगा रही है। और अब मैं जा रहा हूँ सोने, ये जो टीवी मेरा बंद कर दिया है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब जबरदस्ती वाली बात है, अब मैं गया सोने, सॉरी। बीड़ी भी हो गया, गुड नाइट। और इससे आगे जो है अब मेरा जो है लड़का है विशु, ये बनाएगा विशु और मेरी बहू ये वीडियो बनाएंगी, इनको देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और व्यूअर्स बनते रहिए। ये तो देखो एक कमेंट आया तुम्हारे, क्या मैंने पढ़ लिया कमेंट, चार पाँच छः सात है पढ़ लिए मैंने वो, क्या क्या कौन सा अच्छा लगा कमेंट, सभी ठीक है ठीक है। लेकिन उसका कमेंट यार जिसने कहा था गप्पे पे फेंक रहा है करके, वो कोई बात नहीं, वो वैसे मजाक करते हैं। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, पानी का हो गया, जाओ मोटर खोल जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बना के लो ना, किसने भेजा है पहले इसमें देखो कहाँ आ रहा हूँ तुम्हारा, तैयार है अब इसका आंसर देना, किसका आंसर मैं बता रहा हूँ तू ना, देखो एक ने लिखा है गोविंदी मेहरा ने लिखा है, बिसु पापा की लव स्टोरी अच्छी लगी, पहले ऐसे ही होता था, कोई छुपाता है कोई बोल देता है, अब इसका आंसर दे दो। हम तो भैया सत्य बोलते हैं, पेट में कुछ रहता नहीं है, जो दिल में है वो दिल के बाद सब बाहर कर देते हैं, और अगर पेट में रह जाएगा तो सारा कल को जो है परेशानी होती है, सीधी सी बात है अपने हिसाब से, जो है सत्य है, जो कहना है कह दिया, और अब लड़के ने कह दिया, और थोड़ा सा वो पार्टी तो आपको पता ही है, मेरी भतीजे का बर्थडे था तो चला गया, तो थोड़ा एक हो गया, तो उसमें जो है जो जितनी बातें सब निकल गई बाहर, वैसे कहने को मन नहीं था, लेकिन दूसरे शर्मार्थी मुझे, मैंने कहा उसको मत डालियो गाँव में, पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, ये बुढ़ा पागल हो गया। अब चलो ठीक है, अब जो भी है डाल दिया तो डाल दिया बेकूफ ने, सो मना करने के बावजूद डाल दिया उसने, अब इसको ये पता नहीं गाँव में, पता नहीं अब देखो गाँव जा रहे हैं, चार पाँच तारीख गाँव जा रहे हैं, अब देखो उनका क्या रिएक्शन होता है गाँव में जो है। और जो एक करण बिस्ट बोल रहा है, पहले के लोगों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत पावर बेले, सही बात है,
बिल्कुल सही बात। ऑफ अंकल जी, हैट्स ऑफ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। तुम समझ सकते हो सकता है आपके पापा ने भी ऐसा किया हो, कैसे किया हो, इतनी मेहनत करी हो तभी आपको महसूस हो रहा है। खीम सिंह बोल रहे हैं विशु, जो भी ये मेरे साड़ू भाव है, खीम सिंह बोल रहे हैं, खीम सिंह पता नहीं कौन साड़ू भाई, तो जालपुर वाले होंगे पता नहीं मुझे, लिखा है विशु जो भी हो आपके पापा ने बहुत पापड़ बेले हैं, वे जो भी हैं दिल के सहाफे वाले, तो ठीक है वो मुझे जानते होंगे, हो सकता है मेरे साड़ू भाई भी हो सकते हैं, और वो भी खीम सिंह ही है भी साड़ू भाई मेरे बड़े वाले, और हो सकता है वो हो सकते हैं, और हो सकता है और जो अन्य भी हैं तो अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू। लिख रहा है थैंक यू एक्सप्लोर विद दीप्ति, दीप्ति बोल रही हैं पापा लव यू, तुम ही बोल दो लव यू टू, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव योर फादर, थैंक यू बेटा, लव यू टू। और वो लिख रही है पापा इज़ वेरी स्वीट, है ना, पापा इज़ वेरी स्वीट, मन के साफ लोग ही मुंह पर कड़वे होते हैं, मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे मुंह पर कड़वे होते हैं, कड़वे नहीं होते बेटा, जो जो दिल के सच्चे होते हैं ना, ईमानदार होते हैं, वो जो बात मुंह पर कह देते हैं पेट में कुछ नहीं रखते, उसके बाद भूल जाते हो, कहने के बाद तुरंत भूल जाते हैं कि इससे इसने मुझे कुछ ऐसी बात कही थी, लेकिन दिल के साफ होते हैं, जब तक मुंह में कहेंगे नहीं तब चैन भी नहीं मिलता, और कह दिया तो सब भूल गए, फिर कुछ भी ये होता है मैंने कह दिया बस। और नीरज कह रहा है आपके पापा नाइस आदमी है। थैंक यू बेटा, अब फोन नहीं आया और दार भी नहीं आया, जब मेरा बेटा ही मुझे बदनाम करे तो किसी और से क्या कहे, और जबकि मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ, सब खाते खाते, और लेकिन बदनाम मुझे लड़के नहीं कर रखा मुझे, सिर्फ अपने अपने वीडियो को बनाने के लिए, साहब बात बोलूँगा झूठ नहीं बोलूँगा, अपने वीडियो को व्यूअर्स पाने के लिए जबरदस्ती कर रखा है, पीने का टाइम, पीने का टाइम हो गया, ये हो गया, ये कह के हाथ हाथ ये रहा वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन पीछे से कमेंट्स ये कर रहा है कि ये कमेंट्स तुम्हारे लिए आए रखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मानो चाहे कुछ मर्जी मानो, आपकी मर्जी है। और वो बता दांत कब लगा रहे हो तुम? दांत कैसे लगाऊं यार, बहुत पैसे चाहिए, मेरे पैसे नहीं है, वो अठाई जाके दांत घुस गए, कुत्ते खा गए, लोगों से बोलो मैं तो बेरोजगार हो गया हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं, तो जिंदा कमाया था दो लड़कियों की, और ये लड़की शादी कर दी, अब मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि दांत बनाने की, 28,000 मैंने दांत एक बार बना दिए, और एक बार वो कुत्ते खा गए, अब मन ही नहीं कर रहा बनाने को, हर काशीपुर में मैं बनाता नहीं, काशीपुर में खा गए कुत्ते, कुत्ते दांत खा गए, हाँ यार खाली दिमाग खराब हो गया, तो मजे ले रहे हो अभी, सबका गुस्सा हो गई, ये इतना जूम कैसे हो गया, जो मुझे बोला आज ठंडी हो, फिर लगता है पूरी बोतल लगा दी, उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा मुझे भाई, हाँ तो वो कुछ थोड़ा पीता हूँ मैं, और क्या मैं वैसे नहीं पीता, बस उनको जवाब तो देना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल क्यों नहीं दोगे जवाब, देना चाहिए, अगर मैं रख रहा हूँ पीने, बिल्कुल नहीं, दोस्तों मेरी मम्मी उजाई बस नीचे पोछा लगाते लगाते कह रही उजाई, ये देखो मैं तुम्हें गधेरे में ले जाता हूँ, ये देखो उजाई नहीं बनूंगा हरने का गंद, वही बताओ तुमको भी काट पीट के, मम्मी का मेरा मुंह देखो, ये कत्ते जंदरी है सपने में, कत्ते जंदरी हो, चुप रह सही बनाए, चाय पीने का मन कर रहा है, सपना चाय बना रही है अपने लिए, चने वाली है देखो, खाना वाना ले जाती रही, पेट कम करना, पेट कम कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ये देखो अभी चने वाली, पेट कम है मेरा, ये देखो ये चने चने और ये भिगाते सुबह, इसको थोड़ा सा भिगा के, मतलब रात भर भिगा के सुबह ले जाते हैं, और ले जाते हैं, ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, ले जाते हैं, इसका ले जाते हैं, ढाई बज गई, ढाई बज गई, दो बज गई, डेढ़ बज गई, खाए तुम अभी तक यहीं हो, ये यहीं आ रहे जाने सोने के लिए, जाते क्यों नहीं हो तुम, जाओ भाई सोने के लिए जाओ, पापा कमेंट पढ़ लिया तुम्हारे, क्या बोल रहे हो इधर आके बना, क्या बोल रहे हो, अरे चने तो वैसे बिल्कुल अभी रात को भिगा दो, सुबह वैसे खाने भिगा के अच्छे रहते हैं, सुबह मैंने उबाले थे तब खाए उन्होंने, अरे नहीं यार अरे इसने कभी खाए नहीं है ना इसलिए कच्चे खाते हैं, चने पानी में तो करनी पड़ेगी, नहीं वो पानी में भिगो के रखो, तो ठंडे पानी में, हाँ भिगो के सुबह कच्चे ही खाने होते हो, हाँ तो उसका उसका अंदर जाता है वो, और सेम जो लाल दाल है ना वो भी वैसी ही अच्छी होती है, हाँ जो मेथी भिगाते हैं रात को, मेथी भी वैसी खानी होती है, उबालनी नहीं पड़ती मेथी, हाँ फिर फायदा क्या उसको खाने का, उसके क्या खत्म हो जाते हैं, उसका जो रस है उसका तत्व, रस नहीं तत्व, तत्व खत्म ही हो गया उसके अंदर, इसका तत्व खत्म हो गया, क्या फायदा होगा उसका खाने का।